नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा इन दोनों भारत टीम का अगर सबसे अच्छा कोई खिलाड़ी है या फिर सबसे अच्छी कोई फॉर्म में है तो वो केएल राहुल ही है। लेकिन आपको जानकर काफ़ी खुशी होगी कि अब केएल राहुल भारतीय टीम के कप्तान बनने जा रहे हैं, वो भी वनडे टीम के। जी हाँ, बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा क्योंकि इसे देखने के बाद ही आप सभी को समझ में आने वाला है कि कैसे अब केएल राहुल को कप्तान बनाने का फैसला ले लिया गया है और वो भी ओडीआई क्रिकेट में। मैं आपको बता दूं, अभी टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में टेस्ट सीरीज चल रही है जहां पर केएल राहुल बेहद ही शानदार फॉर्म में है और पहले दिन तो उन्होंने 122 रनों की नाबाद पारी खेली है। हालांकि दूसरे दिन का खेल अभी भी रुका हुआ है। लेकिन बात करें अगर हम केएल राहुल के हालिया फॉर्म की, तो जी हां, 122 रनों की ये पारी चिल्लाकर बता रही है कि किस तरह की केएल राहुल फॉर्म में है। अब इसी फॉर्म को देखते हुए यह डिसीजन लिया जा रहा है कि केएल राहुल को वनडे टीम का भी कप्तान बनाया जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त साउथ अफ्रीका के दौरे पर है। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के बाद टीम इंडिया इतने ही मैचों की वनडे सीरीज में खेलने के लिए उतरेगी। भारत को टेस्ट सीरीज से ठीक पहले रोहित शर्मा के चोटिल होने पर जोरदार झटका लगा है। अब खबर है कि वनडे सीरीज से भी वो बाहर हो सकते हैं। बतौर वनडे कप्तान पहली बार वो फुल टाइम टीम के साथ उतरने वाले थे, लेकिन ये मुश्किल लग रहा है। भारतीय टीम के लिए वनडे सीरीज में पहली बार फुल टाइम कप्तान के तौर पर मैदान पर उतरने के लिए रोहित को अभी इंतजार करना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक उनकी चोट गंभीर है और साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगले महीने होने वाली वनडे सीरीज में वापसी नामुमकिन लग रही। उनकी जगह वनडे टीम की कमान टॉप फॉर्म में चल रहे केएल राहुल को दी जा सकती है। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में रोहित की गैरहाजिरी में राहुल बेहद ही शानदार फॉर्म में है। वनडे सीरीज में भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 19, 21 और 23 जनवरी को मुकाबला खेलना है। हाल में चयनकर्ताओं ने रोहित को विराट की जगह पर भारत के वनडे टीम का कप्तान बनाने का फैसला लिया था। T20 की कप्तानी छोड़ने के बाद कोहली को वनडे की कप्तानी से हटाए जाने पर विवाद भी हुआ। साउथ अफ्रीका दौरे पर रवाना होने से पहले कोहली ने बयान देकर विवाद को हवा भी दे दी थी। अब रोहित की गैर मौजूदगी में वह टीम की कमान तो नहीं संभालेंगे, ऐसे में राहुल ही सबसे बेहतर विकल्प नजर आ रहे हैं। IPL में पंजाब किंग्स के लिए केएल राहुल T20 में टीम की कप्तानी संभाल चुके हैं। ऐसे में एक बात क्लियर है कि केएल राहुल जो बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, अब आने वाले दिनों में केएल राहुल ना सिर्फ भारतीय टीम के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं बल्कि टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए वो टीम इंडिया को बहुत ही ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हैं। विराट कोहली की अगर बात करें हालिया फॉर्म की, तो विराट कोहली बहुत बुरी फॉर्म से गुजर रहे हैं और ऐसे में विराट कोहली को अब दोबारा कप्तान नहीं बनाया जा सकता। रोहित शर्मा चोटी चल रहे हैं, ऐसे में केएल राहुल के पास ये बहुत बड़ा अवसर है केएल राहुल कप्तान बनकर और अपनी कप्तानी में अपने सूझबूझ से टीम इंडिया को ना सिर्फ जिताएं बल्कि दिखाएं कि वो भी कप्तानी करने में सक्षम है और BCCI केएल राहुल को परमानेंट कप्तान भी बना सकती है। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।